फतेहपुर से रायबरेली तक की हमारी लखनऊ चलो यात्रा यूपी रोडवेज की इस बस से शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम जिस बस में सवार हैं उसमें तमाम यात्री बैठे हुए हैं। हमारी ये यात्रा दो चरणों में होगी। पहले चरण में हम इसी बस से लालगंज तक पहुंचेंगे और दूसरे चरण में हम लालगंज से रायबरेली तक जाएंगे। इस रास्ते में विधानसभा की 5 सीटें पड़ती हैं। फतेहपुर की 2 सीटें हैं, सदर हैं, हुसैनगंज है, इसके साथ साथ रायबरेली की 3 सीट है, हरचंदपुर है, इसके साथ साथ सरैनी है और रायबरेली सदर है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बस के कंडक्टर महोदय से। क्या नाम है आपका? कुलदीप पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? चुनाव एकदम सर पर है, लखनऊ बीजेपी ही जाएगी। क्यों? मेरा मत है बीजेपी को ही होगा। नहीं, बिल्कुल, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को भी साथ दे सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही क्यों, इसका क्या है? कारण ये है कि जो योगी सरकार है वो अच्छा काम किया है मेरे दृष्टिकोण से। तमाम और लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे उनकी राय जान लेते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, अभी बस रुकी हुई है थोड़ा सा, तो ड्राइवर साहब से हम बात कर लेते हैं। ड्राइवर साहब थोड़ा सा इधर घूमिए, बताइए क्या नाम है आपका? मनीष कुमार अग्निहोत्री। क्या खा रखे हैं आप? मसाला खा रखे हैं। तो मनीष जी, ये बताइए कि इस बार लखनऊ किसको भेजेंगे? आप तो रायबरेली जा रहे हैं, यहाँ से लखनऊ ही जा रहे हैं, आप बस लखनऊ जा रही है, तो लखनऊ भेजेंगे किसको आप चुनाव में? ये तो आने वाली पीढ़ी बताएगी। आप भी तो वोटर हैं, आप भी वोट करेंगे, तो आप किसको भेजेंगे? देखा जाएगा किसको भेजा जाएगा। अभी कुछ सोचा नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं। तो जो मौजूदा सरकार है उसका कामकाज ठीक है या नहीं? अभी तो फिलहाल सही है हमारे हिसाब से। बदलने की जरूरत नहीं? बदलने की जरूरत नहीं। आप बताइए भाई साहब, अभी हम बैठे थे तो आप काफी जो है बहुत मुखर होकर के बोल रहे थे। थोड़ा सा मास्क एक मिनट के लिए नीचे कर लीजिए ताकि हम आपका चेहरा भी देख लें। बताइए लखनऊ किसको भेजेंगे? हम योगी जी को भेजेंगे। योगी जी को भेजेंगे, क्यों? योगी जी, योगी के कार्यकाल बढ़िया चल रहा है, ये त्रासदी है, पूरे विश्व में है, खाली योगी के लिए नहीं है। उन्होंने जो सफर में तय किया है, लोगों को जो सुरक्षा दिया है, शायद आने वाली सरकारें कोई नहीं दे सकती, क्योंकि अपना घर लोग चला नहीं पाते, देश चलाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो हमारे हिंदुस्तान में किसी को भी प्रॉब्लम होती है, या हमारे देश या हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, किसी भी गांव में जाओ सड़कें अच्छी हैं, बिजली की व्यवस्था, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं योगी जी। यस सर, योगी जी के प्रशंसक हैं या भाजपा? ना, मैं भाजपा को हूँ ना, योगी जी का कार्यकाल के प्रशंसक हूँ, वो जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, ना मैं योगी की कर रहा हूँ और ना भाजपा की कर रहा हूँ। आपको तो यहाँ उतरना है थोड़ी दूरी। काम ठीक है सरकार का? सरकार का काम ठीक है, क्या काम अच्छा? हर काम करके देखो और व्यवस्था जो इनकी है, शासन अच्छा है। लखनऊ किस बस? वही बाबा जाई। इस बार क्या करेंगे, इसी सरकार को कायम रखना चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे? इसी सरकार को रखना चाहेंगे। तो बस पे देखिए तमाम मुसाफिर मौजूद हैं, बस यात्रियों से तकरीबन खचाखच भरी हुई है।